आपने ब्रेथलेस देख लिया दास, अब हमारे बीच बिजली गिराने में आई। आप सबको एक गाना पता होगा, तो इस गाने को अमर करने वाली श्रीदेवी जी के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ रहे हमारे बच्चा बाटी। बच्चा बाटी तैयार हो तो प्लीज कम ऑन द स्टेज श्रीदेवी दास। शो मी या मूव 0.2 का जो पर्पस है शो केस करने का, वो ये है कि जो बच्चे डांस अकेडमी में आरबी सरोज खान डांस अकेडमी सुमन राजी के सुपरविजन में जो चलाई जा रही है, उसमें जो बच्चे सीखने आते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस उनका होता है, उसमें काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने लर्निंग प्रोसेस में सीखा होता है और उसको सिर्फ शोकेस करने के लिए एक स्टेज चेयर होता है। तो आज का जो ये हमारा फंक्शन है, इवेंट है, वो शोकेसिंग है जो बच्चों ने सीखा है उसको। ओके, इससे पहले मैम कितने फंक्शन ऑर्गेनाइज हो चुके? बहुत ही फंक्शंस, क्योंकि 2010 में हमारी ये अकेडमी खुली थी और उसके बाद लाइनअप, क्योंकि बच्चे आते हैं आफ्टर 3 मंथ्स क्वार्टरली, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ स्टेजेस उनको प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स एन अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके मैम, कितनी एजेस के स्टूडेंट हैं जो आपके पास यहाँ पे अकेडमी में सीख रहे हैं? शायद आपने देखा नहीं है, परफॉर्मेंसेस जब आई थे बच्चे, तो 3 साल से बच्चे से लेकर आई गेस लास्ट जो एज ग्रुप हमारे पास आज परफॉर्म कर रही है, इट्स अराउंड 70 की। हमारे पास बच्चे भी हैं, मिडिल एज की लेडीज़ भी हैं और एल्डरली भी हैं। कहते कोई भी बड़ा काम करने के लिए अड़चने मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन उसको आगे सर करके हम आगे पहुँचते हैं, तो प्रोसेस में कितनी अड़चने मुश्किलें आपको पेश आई? सी, चैलेंजेस तो हर जगह रहते हैं और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ये होता है कि पहले तो पेरेंट्स को कन्विंस करना, बच्चे को कन्विंस करना कि वो इस टैलेंट को आगे लेकर आए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सोशल मीडिया का कि जिन्होंने जो स्टेजेस नेशनल लेवल पर दिखाए जा रहे हैं और उनको आगे लेकर आते हैं, उससे बच्चे इंस्पायर होते हैं देखकर और वो भी चाहते हैं कि उनको भी उस तरह का स्टेज मिले। तो चैलेंजेस जो वो लेते हैं, बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है और उसके ऊपर से सबसे बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स का, तो बच्चों को भेजना उस एटमॉस्फेयर में, घर से निकल के कंफर्ट लेवल में से बाहर निकल कर उनको बच्चों को भेजना, वो भी एक चैलेंज है। और ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए चैलेंज रहता है, काफ़ी टाइम पे तो ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे जिनको हम स्कूल के बाद एकदम से नहीं बुला पाते, वो भी एक चैलेंज है। कितनी देर तक बच्चों को रखना है, कितनी देर तक बच्चे खाना पीना होगा, सब चैलेंजेस आ वो, पर बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स होते हैं। ओके मैम, आई होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट इवेंट। थैंक यू सो मच। हमें से देख के तो ऐसा लगता है कि दिन रात एक करके ये फंक्शन किया गया, 3 साल के बच्चे को प्रिपेयर करना कितना मुश्किल, आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरा डिसिप्लिन में रख के और इतनी मेहनत करके उनको तैयार किया गया कि वो परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आस असास की कलेब्रेशन से जो ये फंक्शन इतना कामयाब हुआ, तो ये क्रेडिट आस असास को जाता है और सर जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को उनको। कुछ पेरेंट्स सर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं ये आर्ट ऐसा है, ऐसा है, इसको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो
उनके लिए क्या मैसेज है? देखो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का टैलेंट जज करके उसको जरूर ट्रेनिंग दिलानी चाहिए ताकि उसका टैलेंट पब्लिक के सामने आए और बच्चे को हौसला मिले उसका इंटरेस्ट देख के। जैसा एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स के अलावा तो ये कल्चर एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी बच्चे की ग्रोथ के लिए। जी जी बहुत जरूरी है, फिजिकली भी जरूरी है और सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। कल्चर जो प्रोग्राम होते हैं अगर ये डांसेस परफॉर्मेंस देते तो फिजिकल फिटनेस वगैरह अपने आप ही चलती है। यस वेरी गुड। सर कैसे लग रहा है आज आपको यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस देगा करने की वैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक है, हमारे बच्चे लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया गया है। ठीक है, तो कितने साल के एज के स्टूडेंट है जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं? ये 3 साल से स्टार्ट है। 3 साल से कौन सी एज तक है? यानी एज लिमिट कोई नहीं है। ओके, तो कितने टोटल परफॉर्मेंसेज है जो आज यहाँ पे हुई? ये 20 परफॉर्मेंस। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस है, वेस्टर्न लिया क्या है? सारे स्टाइल सब स्टाइल जो जो टीवी में देखते सारे स्टाइल सारे स्टाइल। ओके, तो कितना टाइम लगा आपको इस सबको प्रिपरेशन करने के लिए? तैयारी 2 मंथ्स लगा और हम लोग हर 3 मंथ्स में इवेंट्स करते हैं। हमारा शो का नाम है सोमिया मूव्स 0.2, अभी 0.3 भी अगले अगस्त में आने वाला है। तो यहाँ पे इसमें अकेडमी में कौन सा शो आपका पहला शो है? दूसरा कितना है? दूसरा शो। ओके, इससे पहले कहाँ पे आप परफॉर्म करवा चुके हैं? पहले भी दिल्ली में। ओके, तो अगर आपकी एकेडमी में किसी स्टूडेंट्स ने किसी पेरेंट्स से ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? हमारा मोबाइल नंबर है या हमारे नाम आके आप हमारी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या एकेडमी आपके गूगल में सर्च करते हो सर्विस खंडा से कर दो। ओके, तो ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए सोसाइटी के क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि बच्चों को आज के लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डांस क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं। डांस क्लास